हेलो एंड वेलकम टू यू ऑल व्यूअर, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। व्यूअर, अगर किसी को आंखों की कमजोरी है या आंखों में कोई नंबर है तो एक प्राइमरी ऑप्शन के तौर पर हम चश्मे का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर कोई इस चश्मे को उतारना चाहता है तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शंस हैं? आंखों के नंबरों की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ICL लेंस और सेकंड ऑप्शन है आपके पास लेसिक लेज़र। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट लेंस के बारे में बताया और सेकंड मैंने आपको लेसिक लेज़र के बारे में बताया। और मैं समझता हूँ कि मोस्टली लोग लेसिक लेज़र के बारे में ज़्यादा जानते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत जगह सुना है, आपस में दोस्तों से सुना है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर भी है। लेकिन इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल अगर हम ICL लेंस के बारे में जानेंगे तो वो आपको लगेगा कि हाँ, उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बेनिफिट्स रियल में है भी, लेकिन हम उनके बारे में जानते नहीं हैं इसलिए हमें उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता है। इन सारी चीज़ों को मुझे आपको बताना था और इसीलिए आज मैंने ये इंट्रोडक्टरी वीडियो आपके लिए बनाया है, जिससे अगर जीवन में कभी भी आपको कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है इन दोनों ऑप्शंस में से तो आप आसानी से उसके बारे में डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट जो आगे आने वाले दो वीडियोज़ हैं उसमें वन बाय वन दूंगा। तो कीप इन टच और देखते रहिए। और आज जो हम बात कर रहे हैं उसमें इस जो नॉर्मल हम चश्मा यूज़ करते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हाँ, ये बिल्कुल सेफ है, इसमें किसी भी तरीके की कोई हमारी आंखों में सर्जरी नहीं होती, इसीलिए हमें कॉन्फिडेंट फील होता है कि हम सेफ़ हैं, हमारी आंखें भी सेफ़ हैं और हम ओल्ड एज होने पर भी हम सही रहेंगे, हमारी आंखें भी ठीक रहेंगी। नो डाउट, बिल्कुल सही है कि अगर हम चश्मा यूज़ करते हैं तो ये सबसे सेफर तरीका है और इससे किसी भी तरीके की आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर हम रेगुलर इसको इस्तेमाल करते हैं। कुछ और बेनिफिट्स पे भी हम नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला है कि धूल और डस्ट से ही हमें बचाता है। जैसे हम बाइक पर हैं, सड़क पर हैं, तो उस धूल से हम आसानी से बच जाते हैं इससे। और किसी के अचानक कोई चीज़ आँख की तरफ फेंकने से, पेंसिल, पेन, उससे भी हमारा आँखों का बचाव हो जाता है। कभी भी अगर हम चाहें तो हमारा नंबर चेंज हो सकता है, बहुत आसानी से हम इसे कभी भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत कम खर्चे में मिल जाते हैं इंस्टेड ऑफ़ दूसरी चीज़ों के, जैसे कॉन्टैक्ट लेंस बहुत महंगे होते हैं। यह आपके लुक को भी बढ़ाते हैं। मोस्टली लोग आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्रेम्स को इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइन को इस्तेमाल करते हैं अपने लुक को बढ़ाने के लिए। इससे आँखों में इन्फेक्शन नहीं होता क्योंकि इसमें जो शीशा लगा होता है वो डायरेक्ट हमारे कॉर्निया से टच नहीं होता है। कॉन्टैक्ट लेंस की अपेक्षा देखभाल इसमें हमें बहुत कम करनी पड़ती है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो यहाँ पर प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मिलेगा आपको नोटिफिकेशन और आप देख पाएंगे हमारे वीडियो सबसे पहले। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं, जैसे यंग एज में जॉब की समस्या है, कहीं पर अगर आई विज़न टेस्ट होता है तो उसमें हम फेल ना हो जाएं, ये एक प्रॉब्लम है, या फिर मैरिज की प्रॉब्लम है, और या हमें हैज़ल महसूस होता है इसको चश्मे को यूज़ करना, हमें दिक्कत भरा लगता है कि हम कहीं भूल जाते हैं या फिर ड्राइविंग में हम कहीं जाते हैं इंस्टेंटली हम चश्मा नहीं ले जा पाते हैं, तो ये भी समस्याओं को दूर करने के लिए हम चश्मों को उतारना चाहते हैं और इससे चाहते हैं कि हम दूसरे ऑप्शंस को इस्तेमाल करें। लेकिन वो दूसरे ऑप्शंस कौन से बेटर हैं ये मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहा हूं, इसलिए आप ध्यान से उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो से पहले भी मैंने आपको कलर विज़न के बारे में भी एक वीडियो डाला था कि अगर किसी को कलर विज़न की डिफिशेंसी है तो वो भी अपनी आँखों की जाँच अपने घर पर कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और अपनी आंखों को घर पे ही चेक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप यंग एज में हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं और आप किसी भी इंटर कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसमें एक कौन सी ऐसी टैबलेट है जो आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा करेगी, आपकी ग्रोथ को भी अच्छा करेगी, आपकी मेमोरी को, आपकी लर्निंग एबिलिटी को बहुत अच्छे से बढ़ाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो बिल्कुल इस आई बटन पर आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आईज के बारे में अच्छे से दे पाऊँ और वो आगे आने वाले वीडियोस में है। तो कीप इन टच, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।